राइट, सो कंसिस्टेंट फुकरा इंसान इज बैक और आज हम देखने वाले बहुत प्यारे मीम्स, तो लेट्स गो, आओ ना देखते हैं। बेटे तू एक काम कर, इन किताबों को ना आग ही लगा दे, तूने पढ़ना पढ़ना नहीं है। चलो फिर चिल्लाओ जबान लगा दो आग। ओ ओ ओ ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छा। तो और ये भाई बहुत क्यूट है, ये मेरे एक वीडियो में भी आ रखा है। आई डोंट रिमेम्बर द वीडियो बट मुझे पता है मेरी वीडियो में आ रखा है और मुझे बहुत पसंद है। नाम थोड़ा सा भूल गया बट लव यू मेरे भाई। भाई मैं एक चीज जेन्युइन बताना चाहूंगा, बचपन में जब मतलब बचपन में स्कूल में होता है इंसान, पर जब मैं स्कूल में था तब मुझे ऐसा लगता था अगर मुझे कोई टीचर कुछ कह दे ना तो भगवान के सब इतनी बैकअप होनी चाहिए कि उसको घर जाके उठा लूं उसके और फिर वो कुछ बोल ना पाए। बट मैं एज अ स्टूडेंट मैं टीचर्स फेवरेट था, चाहे मैं बहुत नॉटी था बट मैं टीचर्स फेवरेट था क्योंकि मैं टॉप कर जाता था ना यार, पढ़ाकू तो हुई बचपन से। सॉल्व के इक्वल टू 1 + sin x / n, तो भाई ने 1 + 6 करके उसको 7 कर दिया। तो टीचर ने भी बहुत ही अच्छा बोला, टीचर ने सीधा बोला अबे स्टूपिड, आंसर तेरे बस की बात नहीं है, तो स्टूपिड ही है। ओके ऑन योर ओन। अच्छा क्वेश्चन था, सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून हैव एटलीस्ट 3 थिंग्स इन कॉमन। तो भाई ने बोला दे ऑल आर प्लैनेट्स, दे ऑल आर राउंड, नन ऑफ देम हैव मैकडॉनल्ड्स। वाह वाह, मतलब ऐसे जवाब अगर मैं दे देता ना तो मम्मी ने मेरे को घर से बाहर निकाल देना था यार। इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्सप्लेन करते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ। यहाँ देखो अभी मैं इसको आराम से पुल कर सकता हूँ, है ना, लेकिन इसके नीचे मैग्नेट लगी है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको इधर रखूंगा और बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे करंट की सप्लाई अंदर होना चालू हो गई इस बॉक्स के अंदर। उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया इस प्लेट के नीचे। अभी इसमें हमने करंट की सप्लाई ऑफ कर दी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। उठा के देखो, इसे आराम से उठा सकते हो, उठाओ उठाओ ढंग से उठाओ, है ना। अब देखो इस बटन को जैसे ही दबा देंगे अब इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। अब उठा के देखो नहीं उठ रहा ना, क्योंकि अब पागल ला के उठा दो तुम। हाँ सारी उम्र में जो कर भाई बी लाइक मूत दिया तेरे इलेक्ट्रोमैग्नेट पे भाई बट उसने काफी ज्यादा जान लगाई तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो फोर्स है वो मुझे ऐसा लगता है कि एक लिमिट तक ही फोर्स होगी। बाकी मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, साइंस के बारे में तो मुझे थोड़ी नॉलेज कम है, जिसको है वो मुझे बता सकता है कॉमेंट सेक्शन में क्या मैं सही हूँ या नहीं। यहाँ पर ये तो काफी ज्यादा बढ़िया था। टीचर अगर प्यारी हो तो उसको प्रपोज करने में क्या शर्माना, सालो गई जाके कर मत लेना, कहीं मेरे को पिटवाओ बाद में। भाई भाई फुकरा भाई ने बोला था लड़की को प्रपोज कर रहे हो, टीचर को प्रपोज करो, टीचर ने दे दिया लैपटॉप, बहुत मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रश्न 15 फलों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिख दिया आम, सेब, अनार, एक दर्जन केला 15 हो गए ना, एक दर्जन तो 12 होते हैं। वाह जी वाह 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 वाह, हैट्स ऑफ टू द क्रिएटिविटी मैन, वेरी गुड बेटा। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिमेश अग्रवाल है, मैं 28 साल का हूँ, मैं गुवाहाटी असम से हूँ। मैं बहुत ही यंग एज में पढ़ाई कर रहा था जब मैं सीए का, कोई यंग एज में पढ़ाई करता है जी सर, वही बताना चाहिए। मोदी जी का रोस्टर यहाँ पर, वो मोदी जी का सैवेज वाला चश्मा क्यों नहीं आया भाई। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस, यहाँ कोई है तो साले 19-20 का फर्क है, 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 इसमें उसमें 19 लाख। नहीं सही बात है भाई। भाई स्कूल अटेंडेंस ऐसे होती है अब, और ये क्या चेकिंग हो रही है। वाओ भाई, हमारे टाइम में तो ऐसे रजिस्टर बनते थे भाई, अब ये पता नहीं कैसा जमाना आ चुका है, आईडी कार्ड स्कैन करना पड़ेगा, मतलब वाह यार कोई प्रॉक्सी नहीं लग सकती अब तो। मी टोरिंग द एंटायर स्कूल आफ्टर आस्किंग टू गो टू वॉशरूम, ये तो होता है भाई, ये तो जेन्युइन होता है।
मुझे आज भी याद है बचपन में, जैसे मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था और मैं फुटबॉल टीम में था अपनी, तो मैं ना ये बोलता था कि ये जोनल्स है और ऐसे एक वो बना लेता था एप्लीकेशन, तो टीचर को दिखा देता और जबकि मेरा कोई मैच भी नहीं होता था तब भी जाके मैं कंट्रोल रूम में बैठ जाता था। सैवेज वे ऑफ मिसिंग द क्लासेस। आप लोगों ने कैसे बंक करा, मुझे कोई भी बंक स्टोरी अपनी कमेंट सेक्शन बताना, जो सबसे अच्छी लगेगी उसको मैं पिन कर दूंगा। प्रश्न, लड़कियों अपना जीवन सफल बनाने के लिए क्या सोचती हैं? एक मालदार लड़का मिल जाए बस, कहीं ना कहीं ये बात तो सच है। नहीं है भाई, नहीं सच है, आजकल सब इंडिपेंडेंट हो गए, तो आई वांट कि पूरी दुनिया इंडिपेंडेंट हो। मैं कहता हूँ लड़कों को भी आजकल ऐसा सोचना चाहिए, मतलब कुछ लड़के सोचते भी कि मालदार एक बाप की बेटी मिल जाए जिसके बहुत हजारों करोड़ों, तो और क्या चाहिए। वहा सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, भाई ने कहा 1, 2, 3 ऑप्शन को सर्कल कर दूंगा, पर समवेयर ही इज राइट, 1, 2, 3 पे 1, 2, 3 सबसे छोटे ना। हेलो एवरीवन। हेलो जी, थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। बोलो जुबान केसरी। अरे वाह जी वाह, बर्थडे पे भी बोलो जुबान केसरी, बोलो जुबान केसरी कहीं नहीं खत्म होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है जुबान केसरी वालों के लिए अजय देवगन को साइन करना तो मतलब लाइफ टाइम डील होगी। मतलब मुंडे की रेंज चेक करो, स्टूडेंट स्मगल्स फोन इनटू एग्जाम और उस पे मीम्स देख रहा था, चीटिंग नहीं कर रहा था भाई, कह रहा पढ़ाई तो करनी नहीं है, ये तो ज्यादा ही हो गया ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर एक्स, जान थी वो मेरी, जान तो थी वो मेरी सही में यार, चली गई अब तो छोड़ो। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम के भेद लिखिए, हम आज ही केरल से आए हैं, तो फिर चले जाओ। ओ वाह 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 वाह, तुम क्या खाओगे, पाव भाजी, वाह जी वाह जी वाह 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 वाह, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है जी मैं स्वयं बाजार जाऊंगी, चली जा फिर। भाई ने बोला था सर्वनाम लिखने के लिए, यहाँ भाई ने जवाब दे दिए, भाई प्रश्न उत्तर नहीं थे मेरे भाई, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो मेरी जान। मम्मी मैं ना पढ़ने जा रही हूँ, ऐसे पढ़ना जैसे कल ही एग्जाम है। तो कल ही तो एग्जाम है। मतलब ग्रुप स्टडीज तो मुझे आज तक नहीं समझ आया, क्या कभी आपने ग्रुप स्टडीज करी है? मैं हमेशा अकेले पढ़ता था क्योंकि तभी ध्यान लगता था। मिस सिटिंग रिलैक्स, अभी तो एग्जाम दूर है एंड अचानक से एग्जाम सर पर आ जाए, पर मैं डरूंगा नहीं। अरे भाग जा, मर जाएगा, सब में कमी है, जीरो जीरो इज जीरो टोटली। एटीट्यूड करता है ऐसा ऐसा, हार गए, उसका कुछ भी शक्ल में दिखा ही नहीं। 5 रुपए का मक्खन हार्दिक भाई ढक्कन। मैं क्या बोला भाई, 5 रुपए का मक्खन हार्दिक भाई ढक्कन। देखो हार्दिक भाई, मुंबई के लिए तुम कैसा भी खेलो, मेरा तो तुमसे बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि देश के लिए अच्छा खेलना, आईपीएल का तो क्या ही लेना देना, आता है हर साल। आप मेरे को डांस स्टेप सिखा दो, मेरे साथ डांस करके शायद इसको तब जलन हो। मुझे तो चलो जलन होगी, आपको जो खुजली होगी ना बाद में। मैं मजाक नहीं कर रहा, दैट वाज मीन। पता नहीं ये कौन सा परफ्यूम लगाती है, 2 इंच दूर से आपको खुजली होनी शुरू हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप। नाइस। अब नहीं बैठे ना आराम से तुम, तो मैं ये बिस्किट अंकल को दे दूंगी। अरे आंटी देना है तो दो, तुम्हारे चक्कर में 2 स्टॉप आगे आ गए। काफी नीच। नाउ यू आर इन 10th क्लास एंड 10th क्लास में आते ही तुम्हें एक बहुत ही सीरियस सजेशन दी जाती है। चले बेटा आड़ी शर्मा, इधर गॉड के पीछा, बता रहा हूँ बेटा टॉप करेगा टॉप नीचे से। बट हम कौन सा टीचर के चमचे हैं यार, बिफोर एग्जाम। क्या बात कर रहा है, नेहा ने गोलू को प्रपोज कर दिया। हाँ भाई, लेकिन वो गोलू ने उसी टाइम पूरी क्लास के सामने पैंट में हक दिया, बेचारे से एक्साइटमेंट में कंट्रोल नहीं हुआ। वाह जी वाह, ये एक्साइटमेंट आफ्टर एग्जाम। वैसे 10th क्लास के एग्जाम बहुत इजी होते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, और ये रिलेटिव से डील करने का एक ही रास्ता है। अबे यार, अब किसका फोन आ गया। हेलो, नमस्ते आंटी जी। और बेटा कैसा आया? जी आंटी मैं बढ़िया हूँ, अपना बताइए। अरे बेटा मैं तेरी बात नहीं कर रही हूँ, तेरे रिजल्ट की बात कर रही हूँ। कितने नंबर आए तेरे? क्यों बताऊ, नहीं बताऊंगा। फोन रख बुढ़िया। भाई घर में कसम से निकाल दिया जाएगा, रोटी नहीं मिलेगी खाने को और बोटी नहीं मिलेगी बोटी बोटी करने को। वाह वाह वाह, क्या राइमिंग करा, क्या ही राइमिंग करा है ते शेर। टीचर बीरबल कौन था? पप्पू का जवाब सुनिए। पता नहीं सर। टीचर पढ़ाई पर ध्यान दो तो पता चल जाएगा। पप्पू सर प्रमोद विक्की गौरव कौन है? टीचर मुझे क्या पता। पप्पू ने बोला बेटी पर ध्यान दो तो पता चल जाएगा। वाह What is the capital of India? भाई ने बोला आई, क्योंकि इंडिया में कैपिटल आई है ना। वाह। प्रिंसिपल सर आफ्टर सेलिंग प्रैक्टिकल फाइल टू कबाड़ी वाला।
पैसा है तो फाइव स्टार सारी मुलाकात है। वैसे मैं एक्चुअली ये बात हमेशा से सोचता आया हूँ कि जो स्कूल में इतनी सारी फाइल्स होती हैं और उसके बाद जो असाइनमेंट से बनवाते हैं उसको जब ये बेचते होंगे इस तरह पैसे कमाते होंगे। मैंने सोचा जैसे बहुत थॉट्स आते थे ना स्कूल में कि जैसे कभी पंखा गिरने वाला हो किसी बच्चे पे और जैसे वो गिरने वाला मैं उसको बचा लूं और स्कूल का हीरो बन जाऊं, या फिर टेररिस्ट अटैक हो जाए किसी स्कूल पे और मैं जाके वो स्कूल का हीरो बनकर सबको बचा लूं और मेरी वाहवाही हो जाए। ऐसे सपने क्या कभी तुमने देखे हैं? मतलब बताना जरूर। ये तो आता ही नहीं। माय सिचुएशन इन एग्जाम हॉल। ये भी नहीं आता, ये तो आएगा ही नहीं। एक सेकंड, ये वापसी देखेंगे। पर ये बंदा जो है ये दिखने में रियोत्सु और जियान का मिक्सचर क्यों लग रहा है? अगर तुम्हारे को पता है रियोत्सु और जियान कौन है, उनका मिक्सचर है ये बंदा भाई। ये तो आता ही नहीं, ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता, ये तो आएगा ही नहीं। अरे ये क्वेश्चन तो अगर मैं पूरे खानदान लेके बैठू डेस्क पे फिर भी नहीं आएगा। देखता हूँ बड़ा कोई क्वेश्चन अगर मिल जाए। ये कौन सी भाषा में लिखा है? ड्रॉ पिक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसके लिए 10 नंबर। ये तो बहुत इजी है, पर इसका मतलब क्या है? साइड वाली लड़की से पूछ लेता हूँ। है सोने कोरी, लड़की ने थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ तो पड़ना ही था ना, आप सवाल ही ऐसा पूछ रहे हो। बट इससे मुझे एक मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आई, मैं तुम्हारे को बताना भी चाहूंगा क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है ये चीज बताने का। 12th का बोर्ड एग्जाम्स था और मैथ्स का एग्जाम था, तो हमारी बारी का जो मैथ्स का एग्जाम है जिनको पता होगा जब मैं स्कूल में था सबसे टफेस्ट एग्जाम था आज तक का मैथ्स का। और उसमें क्या होता है मतलब हम तो एनसीईआरटी पढ़ते थे और एनसीईआरटी से मतलब मेरे सर को मैंने कॉल करा जो मेरे को वो ट्यूशन देते थे, उनको मैंने बोला सर मेरे एक फ्रेंड ने ना मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं आज के एग्जाम में। मेरे सर ने बोला कि उसको कैसे पता? मेरा वो दोस्त बहुत अप्रोच वाला, मैंने कहा सर उसने बोला तो होगा। सर ने बोला भाई तू चुपचाप सो जा, क्योंकि मैं सो उठ गया था 4 बजे। तो उन्होंने बोला तू चुपचाप सो जा, तेरे 100 में से 100 आएंगे, तेरे को सब आता है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है तू सब क्रैक कर देगा। और ऐसे जो ये क्वेश्चन है पिछले 10 साल में कभी नहीं आया। फिर मैं एग्जाम हॉल के बाहर गया, एग्जाम हॉल के बाहर जब मैं अंदर जाने लगा तो मैंने अपने दोस्त को, एक और दोस्त था मेरा, उसको मैंने बोला भाई कि मेरा जो अप्रोची वाला दोस्त है वो ये बोल रहा है कि भाई ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आगे तो हम फेल नहीं हो जाएंगे। उसके बाद हम जाके बैठ गए एग्जाम में और जब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया और हमने वो क्वेश्चन पेपर खोला तो सबसे पहले 4 क्वेश्चन वही थे जो वो बता रहा था अप्रोच। मैं कहूँ भाई ये क्या है? और मैं देख रहा हूँ क्लास में बच्चे रो रहे हैं, मतलब लिटरली रो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा ये कैसा पेपर है, सब कर रहे हैं। बट लकीली तुम्हारा भाई तो फिर जब अप्रोची ने बोला था तो आरडी शर्मा से वो कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लेते कि भाई ये करने कैसे, सॉल्व तो भाई कराया और भाई ने 96 स्कोर करे मैथ्स में। तो यस अकाउंट्स में 99 तो आए। रात को यहाँ सोने के लिए सबसे गलत चीज है पता क्या है? गर्मी। मुझे जाने दो अब। अरे मारोगे क्या? हेलो